बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये लेक्चर इंटरनेशनलाइजेशन के टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम फैशिज्म है। तो इसको जो है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके मीनिंग का क्या मतलब है और फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो उसकी डेफिनेशन के बाद इसके हम प्रोस एंड कॉन्स या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखेंगे और इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम देखेंगे और उसके क्रिटिसिज्म को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका आगाज़ करते हैं एक लफ्ज़ से, तो जिसका नाम है फेस्कियो, FASCIO। तो ये कहा जाता है कि ये जो लफ्ज़ है फैशिज़म, ये इससे ड्राइव हुआ है। तो इससे जो ड्राइव हुआ है तो इसका मतलब है बंडल ऑफ रोड्स। तो बंडल ऑफ रोड्स, तो इसका मतलब ये लिया जाता है या ये रेफ़र किया जाता है इसका कि एक रोड को तोड़ना आसान है बनिस्पत के ज़्यादा को, या आप इसको बंडल ऑफ स्टिक्स भी कह सकते हैं हम, कि यानी एक लकड़ी को तोड़ना आसान है बनिस्पत ज़्यादा के। तो दूसरा इसका जो है वो ये समझा जाता है या ये टर्म ली जाती है कि इसको ड्राइव किया गया है फैस्की से, FASCI से। तो इसका रेफर जो किया जाता है, इसको जो फैशिज़म से मिलाया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल ग्रुप यानी इटालियन पॉलिटिकल ग्रुप। तो ये जो है वो इस लफ्ज़ का बेसिकली मटेरियल वर्ड था, यानी मादी लफ्ज़ का मतलब ये कहाँ से आया या इटाइमोलॉजी इसकी क्या थी। तो अब हम जो है वो ये देखते हैं कि ये लफ्ज़ पहली बार किसने इस्तेमाल किया और क्यों इस्तेमाल किया और उसके पीछे क्या रीज़न थे। ये लफ्ज़ सबसे पहली बार जो है वो 1919 में बेनिटो मेजुलिनो ने इस्तेमाल किया था, जो कि मिलिट्री डिक्टेटर था इटली का। फर्स्ट वर्ल्ड वार वन के बाद जो है वो इटली की मिलिट्री पोजीशन और इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो काफ़ी वीक हो चुकी थी। तो इन दोनों को स्ट्रेंथ देने के लिए या इन दोनों को एम्पावरमेंट करने के लिए जो है वो ये लफ्ज़ यूज़ किया गया था बेनिटो ने, तो मिलिट्री डिक्टेटर ने यूज़ किया था। तो उस ज़माने में उसने 4796 वोट लेकर अपनी हुकूमत कायम की थी और उसने कहा था कि इटली को मजबूत करने के लिए एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम चाहिए होता है। तो वो उसने जो आइडियोलॉजी उस वक़्त कायम की थी उसको उसने फैशिज़म का नाम दिया था। तो हम इसकी डेफिनेशन की जानिब अब चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि फैशिज़म एक ऐसा निज़ाम है, तीन डेफिनेशन हैं इसकी बेसिकली, कि एक ऐसा निज़ाम जिसमें एक डिक्टेटर इतना पावरफुल हो कि वो किसी किस्म की बगावत को और किसी किस्म की क्रिटिसिज्म को, ठीक है जी, वो कुचलने की सलाहियत रखता हो, वो कर्ब करने की सलाहियत रखता हो, वो सुप्रेस करने की सलाहियत रखता हो, उसको दबाने की सलाहियत रखता हो, यानी एक ऐसा डिक्टेटर हो जो हर तरह से अपने खिलाफ होने वाली बगावत को या उठने वाले इनकलाब को रोकने की सलाहियत रखता हो, ऐसे निज़ाम को फैशिज़म कहते हैं। यह तो इसकी पॉलिटिकल डेफिनेशन थी। अब इसकी इकोनॉमिक डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी इकोनॉमिक डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक डेफिनेशन में कहा जाता है कि ऐसा निज़ाम मईशत या ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक आदमी के हाथ में होता है, यानी मिलिट्री डिक्टेटर के हाथ में या डिक्टेटर के हाथ में होता है, उसको हम जो है वो फैशिज़म कहते हैं। अब मैं इसको जो है वो आपको क्लियर करना चाहूँगा दो तीन चीज़ों की मिसालें देकर। अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम का मुताला करें तो उसमें कैपिटलिज्म का निज़ाम होता है। कैपिटलिज्म से मुराद ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ पैदा करते हैं या कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, मैं उसकी मिसाल आपको एक बोतल से दे देता हूँ, या आयरन है, इस्त्री तैयार करते हैं हम कोई भी, तो उसको तैयार करने के लिए जो है जो फैक्ट्री लगाई जाती है ना, वो प्राइवेट लोग उस पर काम कर रहे हैं, उसका स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं होता ज़्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम में। जबकि कम्युनिज्म में ये होता है कि एक पार्टी जो है वो पूरी पार्टी या मेजॉरिटी लोग जो है वो, यानी पूरी मुल्क जो है वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही होती है, यानी गवर्नमेंट उसको ऑन करती है। जबकि फैशिज़म में जो है वो ऐसा निज़ाम है मईशत का जिसमें चंद आदमी कह लें या एक आदमी या कह लें एक इंडिविजुअल उसको कंट्रोल करता है, यानी डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल के पास होता है मुकम्मल तौर पर, वो किसी के साथ पावर को शेयर नहीं करता है, इसको हम फैशिज़म का निज़ाम कहते हैं। यानी ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक आदमी कंट्रोल करता है उसको हम फैशिज़म कहते हैं। या इसकी थर्ड डेफिनेशन ये भी की जाती है
वो ये है कि जो फैशिज्म का दिया हुआ सिस्टम है, ये पॉलिसी को जो गवर्नमेंट फॉलो करती है नीचे, उसको हम जो है वो फैशिज्म कहते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है वो इसकी डेफिनेशन थी। उससे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये वर्ड कहाँ से आया और इसका क्या मतलब है और इसको किसने यूज़ किया। ठीक है जी, और इससे जो है वो उसने इटली की पावर को मजबूत किया। तो जैसे ही इस थ्योरी ने जो है वो ग्रोथ पकड़ी, तो ये कहाँ कहाँ दुनिया के मुल्कों में जाकर फैला। तो ये जो है उस वक़्त स्पेन के अंदर, फिर ये जर्मनी के अंदर, फिर ये ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो है वो, और साउथ अमेरिका के अंदर ये 1929 में जो है वो फैलना शुरू हो चुका था ये। और इससे जो है वो इटली मजबूत, और इटली इतना मजबूत हो चुका था कि उस ज़माने में उसने जो है वो एक एक्सिस बना लिया था, जिसमें जो है वो जापान था और उधर से जो है वो जर्मनी था और इधर से इटली था। ये तीन, यानी इसने अपनी मिलिट्री को बहुत मजबूत कर लिया था, यानी इकोनॉमिक को भी बहुत मजबूत कर लिया था। अब हम इसके प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। याद रखिएगा कि हर वो सिस्टम जिसके एंड में इज़म आता है, उसके ज़रूर कोई ना कोई फ़वाद होंगे और उसके कोई ना कोई नुकसान भी ज़रूर होंगे, एक्सेप्ट इस्लाम, सिवाय इस्लाम के। आप वो सोशलिज्म ले लें, उसके भी कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। आप कम्युनिज्म के ले लें, उसके भी कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान। इसी तरह कैपिटलिज्म है, इसी तरह जो है वो फैशिज्म है। ठीक है जी, तो ये जो है वो सिस्टम है इसका। तो हम इसके अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ये उसी तरह ही है जिस तरह कम्युनिज्म का सिस्टम है, या कैपिटलिज्म का है, या इस्लाम का है। तो हम ये देखते हैं कि इसकी कहाँ कहाँ अप्रोच है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहला तो हम इसको देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि ये क्लास डिफरेंस को ख़त्म कर देता है। अगर हम कम्युनिज्म का मुताला करें तो वहाँ पर भी क्लास डिफरेंस नहीं होता है, यानी ये अमीर लोगों से पैसा लेके गरीबों में देता है, यानी इक्वालिटी कायम करता है। ना तो इसमें बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, ये इक्वालिटी को कायम करता है। अब दूसरे नंबर पे जो है वो ये क्या करता है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मुराद ये है कि ये जो है वो हमारे हेल्थ के प्रोग्राम लगाएगा आपके अंदर, ये एजुकेशन के प्रोग्राम लगाएगा, यानी इस तरह के काम जो कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होता है, ये उसको करीब लेकर आता है, यानी ये सिस्टम है। और उसके अलावा अब इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जो है वो फैसले बड़ी जल्दी होते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये होता है कि आपके फैसले जो है वो मेजोरिटी करती है, तो उसमें डिले होने के चांस होते हैं। इसमें इख्तियार एक आदमी के पास होता है, वो फ़ौरन जो है वो इसमें फ़ैसला लेता और अपना काम कर देता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि इस निज़ाम के अंदर मुल्क में पीस एंड ऑर्डर की, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त होती है। वो कैसे होती है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक आदमी के पास इतनी पावर होती है कि वो हर किस्म की पावर को कुचलने की सलाहियत रखता है, तो तमाम लोग उसके कंट्रोल में होते हैं। अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो वो फ़ौरन उसको कर्ब कर देता है, यानी उसको दबाने की सलाहियत रखता है। ये इसका सबसे बड़ा जो है वो फ़ायदा है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो और क्या फ़ायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो है वो पापुलेशन को कंट्रोल रखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मिलिट्री सिस्टम पर हो रही होती है। ठीक है जी, तो इसके अंदर कहा जाता है कि आप अपनी पापुलेशन को कंट्रोल करके रखें। फिर इस सिस्टम का क्या फ़ायदा है कि ये सिस्टम जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो आपकी कल्चर को और नेशनलिज्म को, या नेशन को जो है ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। ठीक है जी, तो इससे जो है इसको प्रमोट करने के लिए ये जो है वो मिलिट्री को मजबूत करता है, और आपके कल्चर के अपने ऊपर, कल्चर के ऊपर यानी अपने रिलीजियन, लैंग्वेज, इन चीज़ों के ऊपर जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो उससे ये क्या करता है, अपनी जो है वो बाउंड्री, बॉर्डर बाउंड्री को, मिलिट्री को, इकोनॉमी को ये स्ट्रॉन्ग करता है इन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, और उसके अलावा जो है वो ये इसके अंदर हायर प्रायोरिटी टू द कंट्री होती है, ये जो है वो अपने मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बजट मतलब खर्च करता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इसके फ़ायदे थे। अब इसके नुकसान क्या हैं, एक तो इसका नुकसान ये है कि सबसे बड़ा कि मुल्क के अंदर जो है ना वो फ्री स्पीच नहीं होती, आप आज़ादी से जो है वो अपनी तकरीर नहीं कर सकते, कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते किसी के ऊपर, ये सबसे बड़ा इशू है। यानी आप अगर मिलिट्री डिक्टेटर कुछ गलत कर रहा है तो आप जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते उसके ऊपर। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है वो इंसेंटिव नहीं होता इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आपकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो मुल्क कंट्रोल कर रहा होता है।
ठीक है जी, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है, एक आदमी कंट्रोल कर रहा होता है। तो जो बाहर से मल्टी इंटरनेशनल कंपनियां या प्राइवेटाइजेशन आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती, उसको इजाज़त नहीं होती है, तो ये उसको इजाज़त देते ही नहीं है। तो ये कम्युनिज्म की तरह होता है, यानी कोई एमएनसी नहीं होगी, मल्टी नेशनल कंपनी कोई बाहर से नहीं आएगी, जो कुछ भी होगा आपका अपना ही अंदर होगा, यानी आप अपने निज़ाम को जो है वो प्रमोट करते हो। उसके अलावा अब इसका क्या मसला ये है कि ये जो है वो कंट्री को फंड, जो कंट्री का फंड होता है वो ये ज़्यादातर मिलिट्री पर खर्च करता है, एग्रीकल्चर पर ये कम खर्च करता है, यानी इसके ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर ध्यान कम, मिलिट्री पर इसका ध्यान ज़्यादा होता है, ये भी एक इशू है इसके अंदर। फिर उसके बाद जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि पावर एक आदमी के हाथ में होती है, उससे फैसले गलत होने के चांस होते हैं, मेजोरिटी जो फैसला करती है उसके अंदर गलती के चांस कम होते हैं, अगर एक आदमी करता है तो उसके पास जो है वो गलती के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद जो ये है कि ये आपकी इकोनॉमी को डैमेज करती है, वो किस तरह, यानी बाहर से आप किसी को आने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फॉरेन इसके अंदर जो है वो नहीं है, फॉरेन रिज़र्व नहीं आता बाहर से कोई, यानी ये काम इसके अंदर नहीं है। तो ये जो है वो इसके प्रॉस थे और कॉन्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कौन से लोग करते हैं, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले, ये लिबरलिज्म वाले जो करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले ये कहते हैं कि ये जो है वो इसको इजाज़त नहीं देते, मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज को इजाज़त नहीं देते, या यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जबकि लिबरलिज्म वाले इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, वो कहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, जबकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इजाज़त नहीं देते। फिर दूसरा कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो ह्यूमन राइट की वायलेशन है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये क्रिटिसिज्म था। तो सिंपल इसका हम अगर इसको सम एंड सब्सटेंस में देखें या खुलासा देखें या ओवरऑल अबव इसको हम ज़रा देख लें, या इसको मुख्तसर अल्फाज में हम यूँ कहेंगे कि हमने सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन देखी, और फिर हमने वर्ड का मतलब देखा किसने और कैसे इस्तेमाल किया और इसका क्या मतलब था, उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस देखे, फिर हमने इसके डिसएडवांटेजेस देखे, और हमने एंड में क्रिटिसिज्म देखी। तो ये जो है वो फैशिज़म था। बहुत बहुत शुक्रिया इसको सुनने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।